एक दिन थैनोस और कैप्टन के बीच में फाइट होती है और उन्हीं फाइट में कैप्टन थैनोस को एक जोरदार लात मार देता है। लात खा के थैनोस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो अपने एक जोरदार पंच मारते हैं कैप्टन के शील्ड पर। और फिर कैप्टन अपने शील्ड के तारीफ करता है कि ये वाइब्रेनियम से बना हुआ शील्ड है और इसे तोड़ना उतना आसान नहीं है। लेकिन तभी शील्ड टूट जाते हैं और जिसको देखकर कैप्टन को काफी गुस्सा आ जाते हैं थैनोस के ऊपर। और फिर थैनोस बोलता है, देखो कैप्टन, इस पर मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक ही पंच मारा है। और ये बोल के थैनोस डर के मारे बाहर से भाग जाते हैं। और फिर कैप्टन गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और फिर वो शांत होके सोचता है कि अब मैं क्या करूं। और फिर वो जाते हैं टोनी के पास और वो अपने टूटा हुआ शील्ड दिखाता है और जिसको देख के टोनी बोलता है, अरे कैप्टन, ये तुमने क्या किया, तुमने इसे भी तोड़ दिया है, तुमने इस महीने में 5 शील्ड तोड़ा है। और फिर कैप्टन बोलता है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ टोनी। लेकिन टोनी बोलता है, सॉरी कैप, ये मेरे पास आखिरी शील्ड था, मेरे पास और कोई शील्ड नहीं है। और ये बोल के टोनी वहाँ से चला जाता है। और फिर कैप्टन काफी दुखी हो जाता है और वो वहाँ पे बैठ जाते है और सोचता है, मुझे सावधानी से मेरे शील्ड को चलाना चाहिए था। और कैप्टन को दुखी देख के स्पाइडी कहता है, कल कैप्टन की बर्थडे है। और थॉर बोलता है, बर्थडे में उसे एक नया शील्ड की जरूरत है। ब्लैक पैंथर बोलता है, और हम सभी मिलकर कैप्टन को एक नया ब्रांड शील्ड गिफ्ट करेंगे। और जिसको सुन के टोनी, थॉर और स्पाइडी हाँ करते हैं। फिर उसके अगले दिन आ जाते हैं जहाँ पे सारी एवेंजर्स मिलकर कैप्टन की बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और फिर कैप्टन एक जोरदार फूंक मार के कैंडल को बुझा देता है। और जिसके बाद सबसे पहले स्पाइडी कैप्टन को जन्मदिन मुबारक कहकर एक ब्रांड न्यू वेबसूट से बना हुआ शील्ड गिफ्ट करता है। और जिसको देख के कैप्टन काफी खुश हो जाते हैं और उसको थैंक यू बोलता है। और फिर थॉर उरु मेटल से बना हुआ एक पावरफुल शील्ड गिफ्ट करता है और बोलता है, कैप्टन, ये शील्ड खास तुम्हारे लिए बनाया है और इसको थैनोस क्या उसके बाप भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा 9 रियल में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है। और जिसको लेके कैप्टन काफी खुश हो जाते हैं और बोलता है, वाओ थॉर, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहूं, लेकिन शुक्रिया मेरे दोस्त। और फिर ब्लैक पैंथर अपने शील्ड को आगे बढ़ाता हुआ बोलता है कि मुझे आशा है कि तुम इसे पसंद करोगे कैप्टन, क्योंकि ये शील्ड 100% वाइब्रेनियम से बना हुआ है जिसे मैंने और सूरी ने मिलकर बनाई है। लेकिन तभी उनमें से कोई इस शील्ड का बेइज्जती कर देता है और जिसको सुन के ब्लैक पैंथर को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो बोलता है, किसने कहा ये। और फिर कैप्टन बोलता है, छोड़ो यार, तुम्हारे शील्ड काफी अच्छा लगा मुझे। और फिर टोनी बोलता है, अब मेरी बारी। और ये कहकर वो मॉडर्न टेक्निकल शील्ड देता है और बोलता है, ये देखो कितना खास शील्ड है और ये खास तुम्हारे लिए बनाई है और इसे तुम छोटा भी करके अपने पॉकेट में रख सकते हो। और सबसे बड़ा बात की ये शील्ड मेरा जैसा ही स्टाइलिश है। और फिर कैप्टन टोनी के शील्ड अपने हाथ में लेके बोलता है, थैंक यू टोनी, इतना टेक्निकल शील्ड देने के लिए, मुझे काफी पसंद आई। और तभी हैप्पी बर्थडे कहकर बाकी एवेंजर्स भी एक के बाद एक शील्ड देने लगता है और जिसको देख के कैप्टन काफी खुश भी हो जाते हैं और परेशान भी कि आखिर किसकी तो किसकी लू। और फिर उसके अगले दिन आ जाते हैं जहाँ पे थैनोस और कैप्टन फिर से फाइट करने लगता है, जहाँ पे कैप्टन टोनी के शील्ड को हाथ पे लेता है और थैनोस को मारता है। मार खा के थैनोस बोलता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तुमने एक नया शील्ड बनाया है। कैप्टन बोलता है, टोनी ने मुझे ये शील्ड गिफ्ट किया है, काफी अच्छी दिखती है और चलाने में भी काफी कूल लगता है। और जिसको देखते ही थॉर को काफी गुस्सा आ जाते हैं और थॉर को गुस्सा देख के कैप्टन जल्दी से शील्ड चेंज करके थॉर के उरु मेटल वाले शील्ड को हाथ पे लेता है। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर को काफी गुस्सा आ जाते हैं कि मैंने भी तो वाइब्रेनियम का पावरफुल शील्ड दी है, वो भी असली। और फिर कैप्टन ब्लैक पैंथर के शील्ड हाथ में लेता है और ये देख के स्पाइडी को काफी गुस्सा आ जाते हैं और फिर वो स्पाइडी के शील्ड को हाथ में लेता है। और ऐसा ही करके वो शील्ड बदलता रहता है और जिसको देख के सारे एवेंजर्स कैप्टन के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पे कैप्टन के हो जाते हैं टाइटल फिश की, आखिर लू तो लू किसकी और खाऊ तो खाऊ किसकी।